फ्रेंड्स वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन पावर बाय गेट मैं आपका दोस्त तरुण आपके लिए लेकर आया हूं जीएस कहा जियोग्राफी, तो जियोग्राफी, जियोग्राफी यूज होने वाला है ठीक तो है सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जियोग्राफी, वो है क्या? ओके? तो जियोग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है एक है आपका जियो सेकंड है आपका ग्राफी तो जियो जो वर्ड है है ना अंबारी वाला जियो नहीं भाई याद रखेंगे जियो कौन सा है ये आपका ग्रीक वर्ड है ग्रीक जिसका मतलब होता है भूमि या फिर पृथ्वी धरती भी अपन बोल सकते हैं बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके क्लियर है और इस ग्राफी ग्राफी का मतलब क्या होता है स्टडी तो सिंपल सा वन लाइन डेफिनेशन है टू स्टडी अबाउट और अर्थ मतलब हमको क्या करना है हमको अपनी धरती के बारे में जहां पर हम रहते हैं उसके बारे में क्या करना है आपको स्टडी करना है वही क्या है आपका जियोग्राफी हिंदी में भी आप नाम देखो क्या दिख रहा है भू गोल बड़ा सिंपल सा नाम है यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है मम्मी की रोटी गोल गोल पापा का पैसा गोल गोल पूरी दुनिया गोल मंटोल वही चीज तो है ये क्या बोलना है कि जो भूमि है मतलब हमारी जो धरती है वो गोल है अब गोल क्यों है कैसे क्या वो सारी चीज क्या करेंगे अपन उसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चलिए वन बाय वन देखेंगे ये उसका मीनिंग हो गया है हाँ ना देखेंगे कि ज्योग्राफी हमको क्यों पढ़ना है जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं तो जियोग्राफी को क्यों पढ़े हम क्लियर है? अपन देखेंगे कि भाई जो हिस्ट्री है जैसे कि जीएस के जो अन्य सब्जेक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं है ना इकोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग ठीक है करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ठीक पॉलिटी पढ़ेंगे इन सब जगहों पे और भी जितने भी जीएस के अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पर ये जियोग्राफी कैसे सिंक करने वाला है कैसे ये कोरिलेट करने वाला है वो हम वन बाय वन थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री की बात करूं क्लियर है तो आज से लगभग 300 सौ बीसी है ना 300 हंड्रेड बी सी तीन सौ वर्ष पूर्व एक बंदा आया था ठीक है मैसोडेनिया एक बंदा आता है जिसका नाम था सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट ठीक है वो आता है ईरान के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश करेगा ठीक है कहां कहां पर वो अपनी राजधानियां बनाएगा क्लियर है जिन जगहों को वो जीतेगा ठीक कहां पर वो रहेगा कहां पर उसकी सेना ठहरती है कौन कौन उनसे मिलेंगे ठीक है फिर हम देखेंगे कि महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे ठीक है मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे गुप्त पढ़ेंगे मेडावल हिस्ट्री में आते हैं मुगल्स पढ़ेंगे है ना सल्तनत पढ़ेंगे ठीक है फिर अपन विजयनगर साम्राज्य है आपका क्या बोलते हैं मॉडर्न इंडिया में भी देखेंगे जो ब्रिटिशर्स आते हैं है ना ओके फ्रांसिसिस इन लोग जितने भी सारे लोग जब आएंगे कहां कहां पर वो रहने वाले हैं मतलब एक वर्ड हम यूज करेंगे कहा वेयर ठीक है इसका आंसर कहां से मिलेगा मेरे को भाई जिस स्थान पे रहेंगे उन लोग जिस प्लेस पे क्या करेंगे उन लोग अपना डेरा डालने वाले हैं क्लियर है तो पर्टिकुलर किस स्थान पे वो रह रहे हैं कहां से वो आ रहे हैं ठीक है तो इन सब का जवाब कौन देने वाला है आपको जियोग्राफी मतलब अगर आपकी जियोग्राफी स्ट्रांग है तो आपका हिस्ट्री बिल्कुल स्ट्रांग होने वाला है इसमें कोई डाउट नहीं है क्लियर है तो हिस्ट्री के साथ अपन क्या कर सकते हैं ये कोरिलेट कर सकते हैं सेकंड में देखूंगा इकोनमी के साथ इकोनॉमी में क्या होता है अपन क्या पढ़ते हैं फाइव ईयर प्लानिंग्स की अगर हम बात करें ठीक है या फिर हम देखिए डेवलप्ड हो गया डेवलप्ड कंट्रीज है डेवलपिंग कंट्रीज है तो अलग अलग जो देशों हैं उनका जब भी हम अध्ययन करेंगे है ना तो जब भाई देश के बारे में जब याद करोगे या फिर पढ़ोगे तो उनकी राजधानी आपको याद रहनी चाहिए उनकी जो मेन सिटी है वो याद रहनी चाहिए अगेन सिटी क्या चीज हो रहा है वेयर पे आ रहा है मतलब कहां पर स्थित है ठीक है तो हर इस कहां का जवाब कौन देगा आपको फिर से जियोग्राफी देने वाला है करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं ठीक है करंट अफेयर्स में तो भाई मान के चलो आपको जियोग्राफी देगा ही देगा कहीं ना कहीं नहीं, किसी ना किसी, किसी रूप में क्योंकि देखो अगर कोई दुर्घटना हो जा रही है ठीक है कोई इंसिडेंट हो रहा है कोई सबमिट हो रहा है है ना मतलब कोई आपका सम्मेलन हो रहा है तो वो कहां पर हो रहा है भाई किसी पर्टिकुलर एक जगह पे होगा ना मार्स में तो होगा नहीं ठीक है धरती के किसी कोने में ही होगा तो वो चीज क्या करना है आपको याद रखना है अगर आपका जियोग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो करंट अफेयर में भी आपको बिल्कुल ईजी होने वाला है लास्ट बट नॉट द लिस्ट देखते हैं पॉलिटी में कैसे यूज होने वाला है तो पॉलिटी में जैसे कि आपने देखा होगा एक साल पहले ठीक है जो आपका यूनियन टेरिटरी बना है अभी कौन कौन सा जे एंड के और लद्दाख पहले ये था भाई इंडिपेंडेंट स्टेट ठीक है फिर से क्या बन गया ये यूटी बन गया दो ना, दो है ना यूटी मतलब आपका केंद्र शासित प्रदेश ठीक है तो वहां पर भी हम देखते हैं कि ये देखो ये पार्ट किसका है हालांकि ये पॉलिटी का पार्ट है ठीक है उस समय किसका रहा होगा करंट अफेयर का जब भी भी बनाइए क्लियर अभी फिलहाल पॉलिटी का पार्ट है तो आपके प्लेसेस कहीं ना कहीं किस में आ गया ये स्थान में आ गया ठीक है ये स्थान में आ गया तो जहां पर भी आपका स्थान का जिक्र होगा जहां पर भी आपका प्लेस का जिक्र होगा वहां पर आपको ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि भाई ज्योग्राफी को आप इग्नोर नहीं कर सकते एनी हाउ आपको पढ़ना ही पड़ेगा अब ये तो बात हो गई कि हम क्यों पढ़े है ना क्या है ये ज्योग्राफी हमने देख लिया कैसे पढ़ना है ये अपन आते हैं ठीक है थीके? तो जैसे ही हम बैटल फील्ड में जाते हैं ना वी आर एंट्रिंग इन बैटल फील्ड हम कहा जा रहे हैं एक युद्ध के मैदान में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रहना चाहिए भाई आर्म्स एम्यूनिशन रहना चाहिए लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र रहना चाहिए स्वयं भगवान कृष्ण भी सुदर्शन लेके चलते थे ठीक है तो हमको तो बस छोटी मोटी चीज लेके चलनी है बिना अस्त्र शस्त्र के हम इस मैदान में प्रवेश नहीं कर सकते ठीक है तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है जो हमारे पास रहने चाहिए ओके फर्स्ट वन है आपका एटलस अब आपको दिख रहा होगा ये जो एटलस है ये ऑक्सफोर्ड है ना स्कूल एटलस है स्टूडेंट एटलस भी आता है तो अपन क्या करेंगे जरूरी नहीं कि ऑक्सफोर्ड लेना है आपको मार्केट में जो भी एटलस अच्छा लगता है बोल रहा है कि भाई मेरे को ये वाला एटलस सही है ये मेरे का, इसका कॉन्टेंट मुझे अच्छा लगता है तो ठीक है वो ले लीजिए कोई इश्यू नहीं है बस आप देखिएगा कि उसमें जो चीजें प्रॉपर रहनी चाहिए ठीक है कंटेंट उसका अच्छा रहना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी वाला ले लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश वाला ले लीजिए कोई इश्यू नहीं है दोनों में आपको सेम ही मिलने वाला है तो मैं फिर से बोल रहा हूं आपको जो एटलस पसंद है आप वो लीजिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपको ऑक्सफोर्ड का लेना चाहिए ठीक है सेकंड देखेंगे स्टेंसिल मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि देखो जो डायग्राम अपन बनाते हैं ना जैसे अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहां पे क्लियर है इंडिया का अगर मैं मैप की बात करूं भाई मेरा उत्तर अच्छा नहीं है ठीक है ये अपन डायग्राम बनाते हैं तो ठीक ठाक बना लिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर डायग्राम बनाने में आपको इश्यू आ रहा है कोई दिक्कत है तो भाई आप स्टेंसिल लीजिए फटाफट आपका डायग्राम बनने वाला है क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर अपन जब मैपिंग करेंगे चीजों को जब समझेंगे तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है पांच दस रुपए स्टेंसिल आप जाइए मार्केट में बोली भैया मुझे इंडिया का स्टेंसिल चाहिए या फिर वर्ल्ड का अगर वर्ल्ड भी पढ़े हम तो वर्ल्ड का स्टेंसिल चाहिए आपको मार्केट में वो अवेलेबल हो जाएगा ठीक है तीसरा जो चीज है वो रहने वाला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका नोटबुक क्लियर और मल्टी कलर पेन तो देखो आप सिंगल कलर पेन यूज नहीं कर सकते अगर करोगे तो भाई आपको कुछ समझ नहीं आने वाला जैसे अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया मेरे को हिमालय पर्वत बनाना है ठीक है फिर मुझे दिखाना है कि कौन सी नदी कहां से निकली है ठीक है इधर से ऐसे गंगा निकली है ये नर्मदा है गोदावरी है एंड ऑल क्लियर है फिर मैं घास के मैदान दिखाऊंगा फिर मैं सिटीज को दिखाऊंगा तो अलग अलग चीजों को सेम मैप में क्या करने वाला हूं मैं एलोकेट करने वाला हूं ठीक है तो अगर आप सिंगल पेन से यूज करेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा उससे अच्छा क्या करिए आप चार पांच मल्टी कलर पेन ले लीजिए पेंसिल ले लीजिए वो आपके लिए फायदा होने वाला है क्लियर है चलिए अपन आगे देखेंगे ये ज्योग्राफी क्या है क्यों है कैसे पढ़ने है, हमने देख लिया है ना अब थोड़ा सा नजर डालेंगे कि वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जहां पर एस एस जी एस मतलब जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी पूछा जाता है या पूछा जा सकता है ठीक है अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि इसके पहले भी दीपाली में हमने ऑलरेडी उसमें वीडियो बना रखा है कौन कौन से एग्जाम है कैसे कैसे उसमें होते हैं ठीक है कहाँ पे कितना किसका रेशियो है वो सारा चीज उन्होंने बता दिया तो यहाँ पर हम नहीं बताएंगे यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट में देखेंगे कि कौन कौन से वो एग्जाम्स हैं जिसमें जियोग्राफी या फिर जीएस है जो कि पूछा जाता है ठीक है सबसे पहला एग्जाम फेमस एग्जाम है आपका सभी सभी को पता होगा ये है ना सिविल सर्विसेज का एग्जाम है ठीक है दोनों एक साथ लिया जाता है कंबाइंड आपका जो होता है, है ना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस क्लियर है प्रीलिम्स के रूप में लिया जाता है हंड्रेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा आपको ठीक सेकंड जो एग्जाम है वो यूपीएससी का ही देखो ये जो सबसे पहला हमने कमीशन देख रखा है वो है आपका यूपीएससी है ना जो मैं बता रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करा है ना कंडक्ट करवाने वाले हैं क्लियर

अगला है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसको बोला जाता है असिस्टेंट कमांडेंट एसीएस सी ये भी बहुत ही अच्छा क्लास वन का पोस्ट है रिपीटेड पोस्ट है ठीक है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है इसमें भी आपके दो पेपर होते हैं ठीक है और नेक्स्ट है आपका सीआईएसएफ का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वो क्लियर अब हम आगे बढ़ते हैं एस है ना मैक्सिमम स्टूडेंट जो रहते हैं वो इसी का पेपर देते हैं एस का जिसमें सबसे पहला जो पेपर है ना बहुत कॉमन पेपर है ये कौन सा पेपर है आपका एस एस का ठीक है ग्रेजुएशन लेवल का है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है नेक्स्ट है आपका SSC, यानी जो आपका हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन है वो क्लियर फिर देखेंगे जूनियर इंजीनियर है एस एस है मल्टी टास्किंग स्टाफ है 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 ना सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जैसे हमने देखा था यहां पर आपके जो असिस्टेंट uh, कमांडेंट होते हैं ना आपके जो क्लास वन ऑफिसर लेवल वाला जो पोस्ट होता है उसको कौन लिया था यूपीएससी ने लिया था यहां पर असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट नहीं होगा यहां पर होगा एस आई का पोस्ट यानी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट क्लियर है किसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस मतलब सी सी आर पी एफ ठीक है सीआईएसएफ आई टी बी पी ओके असम राइफल है ना बी एस एफ एस एस बी जितने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं अर्धसैनिक बल है यहां पर एस SI के लिए यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए यहां पर एक और है दिल्ली पुलिस ठीक है तो इनमें जो एस SI का जो पोस्ट होता है उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एस एस सी सीपीओ के थ्रू है ना तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जाम होता है ठीक है अगला जो कमीशन या फिर अगला जो बोर्ड है वो है रेलवे बोर्ड, बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो रोजगार देता है सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट वो है आपका रेलवे क्लियर इसमें जो एग्जाम होता है बहुत फेमस है ए बोलते हैं जिसको अपन ठीक है असिस्टेंट लोको पायलट आर आरबी एन टीपीसी यह भी चली रहा है मेरे ख्याल से लगातार बहुत टाइम हो गया ये है ना जिसका जो आपका स्टार्टिंग जो फेज है फेज है है वो लगातार चल रहा नॉन टेक्निकल ग्रुप के लिए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ए एस एम का एग्जाम है सेक्शन इंजीनियर है जूनियर इंजीनियर है गुड्स गार्ड है है ना गुड्स गार्ड आपने देखा होगा मालगाड़ी में पीछे व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के एक आदमी खड़ा रहता है ठीक है गुड्स गार्ड हो गया फिर आपका ग्रुप डी के एग्जामिनेशन हो गए क्लियर इसके अलावा और भी जो अदर कमीशन है, है ना जैसे कि आपने देखा होगा स्टेट पीसीएस आपकी जो जिस राज्य से यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां पर भी क्या होता है अलग अलग स्टेट अपना क्या करता है एग्जामिनेशन लेता है अलग अलग पोस्ट के लिए ठीक है सिविल सर्विसेज का छोटा रूप होता है ये ठीक तो वहां पर भी अपन देखेंगे यहां पर जीएस आने वाला है मतलब आपका जीएस कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा ये याद रखिए रखिये गोटेट एफकेट का एग्जामिनेशन होता है एयरफोर्स के लिए रहता है ये है ना यहां पर भी आपको जीएस पूछा जाता है इसमें भी आपको जियोग्राफी पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन है एस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस साल हुआ था लगभग दो हजार पोस्ट है थे ऑफ होम अफेयर गृह मंत्रालय क्लियर है चलिए आगे बढ़ेंगे यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स डिफरेंट जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है वहां पर भी आपको इंडिविजुअल जब वो एग्जाम लेगा वैसे तो जो पी है वो आजकल गेट के साथ कोलेबरेट कर लिया है यानी गेट के साथ इसका टाई अप है फिर भी वो अगर खुद से एग्जाम कंडक्ट करवाता है सपोज सी करवा रहा है या सेल करवा रहा है ठीक है या गेल करवा रहा है कोई भी करवाएगा तो वो भाई जीएस रखेगा ही रखेगा ये आप मान के चलिए ठीक है अगला जो है एटीसी अभी हाल ही में एग्जाम इसका कंडक्ट हुआ है एयर ट्रैफिक कंट्रोल हालांकि यहां पर जीएस कम पूछा गया है बट स्टिल इसका वेटेज कहीं ना कहीं यहां पर इंपॉर्टेंस रखता है ठीक है अगला जो एग्जामिनेशन वो है आपका बैंकिंग बैंकिंग में सारे एग्जाम में जीएस नहीं पूछे जाते बट कुछ एक ऐसे एग्जामिनेशन है जहां पर अच्छा खासा वेटेज है अच्छा खासा रेशियो है जैसे कि आरबीआई का एक पोस्ट है ग्रेड बी का पोस्ट क्लियर है एग्जाम इसका होने वाला है जिसमें 80 मार्क्स के लगभग 80 नंबर के जो क्वेश्चन है वो जीएस आपके पूछे जाने वाले हैं ठीक है तो भाई जीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते मैं बार बार बोल रहा हूँ जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वहां पर भी आपको जीएस पूछा ही पूछा जाएगा क्लियर है तो ये सारे एग्जामिनेशन थे जहां पर आपको क्या पूछा जा सकता है जीएस पूछा जा सकता है या पूछा गया है ठीक है हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है आपकी भूगोल की शाखाएं किसके आधार पर विषय वस्तु के आधार पर ठीक है एक आपका काउंसिल होता है नेशनल लेवल का जिसको बोला जाता है एनसीईआरटी -E आपने सुना होगा बुक्स भी पब्लिश करते हैं लोग ठीक है

मतलब बोल सकते हैं कि जो भारत सरकार जो जो क्या बोलते हैं एनसीआर के द्वारा जो किया गया डिवीजन है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कि हमको कैसे पढ़ना है अपने कन्वीनियंट के आधार पर हम कैसे स्टडी करेंगे क्लियर है पहले देखेंगे आपका फिजिकल जियोग्राफी ठीक है तो देखो यहां पे दिख रहा है भाई इसमें क्या आपको नजर आ रहा है नदी पर्वत पहाड़ है ना आपके क्या बोलते हैं जंगल एंड ऑल ठीक है तो ये सारी चीजें मतलब हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे हम देखेंगे पहाड़ क्या चीज है कैसे बनते हैं क्लियर है कौन कौन से इंडिया में पहाड़ हैं है ना कौन कौन सी नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं कौन से नदी कहा से निकलती है ठीक है कहाँ पर कितना इसका कैचमेंट एरिया है कौन से इसका बेस एरिया है ठीक है यहाँ पर हम देखेंगे कि है ना कौन कौन से आपके झील पाए जाते हैं ठीक है ठीके? कौन कौन से आपके क्या बोलते हैं वहां पर माउंटेन्स जो हाईएस्ट पिक है मतलब जो अपना टॉप जो शिखर है ना वो भी पूछा जाता है जैसे आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट हो गया कंचनजंगा हो गया ठीक है केटू हो गया नंगा पर्वत हो गया नंदा देवी हो गया तो वो सारा चीज अपन वन बाय वन कवर करेंगे कौन कौन से दर्रे यानी पासेस हैं पासेस ठीक है जहां से होके अपन गुजरते हैं हाई जो माउंटेड एरिया रहता है वहां पे उसको क्या बोला जाता है पासेस ठीक है वो सारा चीज देखेंगे कौन कौन से भारत में मैदान है कौन कौन से पठार है जिसको प्लेटू बोला जाता है ठीक है सदर्न प्लेटू हो गया दक्षिण का है ना डेक्कन प्लेटू हो गया ठीक है आपका नॉर्थ ईस्ट का प्लेटू वो सारा चीज वन बाय वन हम कवर करने वाले हैं किसके अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ठीक है चलिए सेकेंड हम चलते हैं ये देखिए भैया इसको कौन नहीं जानता मेरे ख्याल से आप अपने एरिया के एमएलए को नहीं जानोगे लेकिन इस बंदे को जरूर जानोगे ठीक है तो ये कौन है यार कमेंट करके नाम बताइए नाम तो मेरे को भी नहीं पता बस इतना पता है कि इसका यूज पे क्यों होने वाला ठीक है तो ये बंदा कहीं घूमने गया था ठीक है अब घूमने गया था तो किस में जाएगा यार उड़ के तो जाएगा नहीं है पापा का परा तो है नहीं ठीक है तो ये जब कहीं भी गया होगा ठीक है तो मीन्स ऑफ क्या एक तो होगा आपका कम्युनिकेशन और एक हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन ठीक है तो ये दो चीजें होंगी मतलब वो जब कहीं जा रहा है घूमने जा रहा है ना सीधी सी बात है किसी ही भी जगह पर अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है मतलब मानवीय अभिक्रियाएं जब होने लग जाती हैं, तो अपन उसको किसमें पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में मतलब ये बंदा घूमने गया ठीक है घूमने गया तो कैसे गया कहीं ना कहीं उसने आपका क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का साधन यूज किया होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है अपन पढ़ेंगे उसको ह्यूमन ज्योग्राफी में कम्युनिकेशन UH! यूज किया होगा तो कम्युनिकेशन के जो साधन है संचार के साधन है उसको हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में इंसान है कुछ खाएगा पिएगा ठीक है तो जो कृषि एग्रीकल्चर है उसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में इवन आपका जो पॉपुलेशन है ठीक है पॉपुलेशन इसी में हम लोग देखने वाले सेंसस यानी जनसंख्या वो भी अपन किस में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जियोग्राफी में साथ ही साथ हम देखेंगे कौन कौन से उद्योग धंधे हैं ठीक है ठीके? यानी जो इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे किसमें ह्यूमन जियोग्राफी में मतलब सीधी सी बात है जहां पर सीधा सीधा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है मानवों का क्या है हस्तक्षेप है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत ठीक है लास्ट हम देखेंगे ये पता है कि नहीं कौन है ये छोटा सा बच्चा ठीक है मोगली बट मुगली के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी पे पढ़ लिया है ये जो बाकी लोग जो दिख रहे हैं ना बाकी लोग कौन कौन है मतलब जंगली जानवर पेड़ पौधे एंड ऑल तो सीधी सी बात है ये एक नए सब्जेक्ट के रूप में यानी एक नए स्ट्रीम के रूप में आया है आजकल जिसको बोला जाता है इनवायरमेंट ठीक है नए सब्जेक्ट के रूप में आया है एनवायरमेंट तो इन्वायरमेंट के फॉर्म में पढ़ना है हमने को कौन सा बायो यानी जय भूगोल सीधी नाम है मतलब जो जीव जंतु से या फिर पेड़ पौधों से रिलेटेड है उसको अपन किसके अंतर्गत अंतर्गत पढ़ने वाले हैं भूगोल के क्लियर है तो ये हो गया डिविजन अब हम देखते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है मतलब मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं ठीक है तो भूगोल की जो शाखा है पीवाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके आधार पर सबसे पहले जो डिवीजन मैंने कर रखा है वो है आपका अगेन फिजिकल ज्योग्राफी सिंपल है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ना है मुझे सेकंड जो डिवीजन है मेरा वो है आपका विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और तीसरा जो है वो है भारत का भूगोल मैंने कुछ नहीं किया है बस अपने जो कंट्री है और अदर कंट्री है उसको क्या कर दिया मैंने डिवीजन कर दिया है बस और कुछ नहीं है ठीक है छोटा सा चीज है तो उसके आधार पे हम पढ़ेंगे लेकिन याद रखना सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंडियन ज्योग्राफी इसका एक रीजन है भाई देखो हम जहां पे रहते हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं ना फिर आड़ोसी पड़ोसी जो सब है, मैं उस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं तो वन बाय वन हम कवर कर लेते हैं कि कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सेगमेंट है चैप्टर कौन कौन सा है जिसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले ठीक है नंबर वन जो सबसे पहला अपन पढ़ने वाले हैं ठीक है इसमें ब्रह्मांड और सौर परिवार यूनिवर्स और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या था? का जो सिद्धांत था, वो क्या था सोलर के कौन कौन से ग्रह हैं कौन कौन से उपग्रह कैसा उनका जो रोटेशन पीरियड है वो कैसे रहता है कौन थ्री डेज में है कौन उसके पहले है? कौन उसके बाद में है कौन सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है? कौन सबसे ठंडा ग्रह है? वो सारा चीज वन बाई वन कवर करने वाला है इस चैप्टर के अंतर्गत सेकंड जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास मतलब धरती का जो इवोल्यूशन है है ना वो कैसे हुआ क्लियर है कैसे आपके जो कॉन्टिनेंट्स है वो कैसे बने कौन कौन से गुंडवाना लैंड थे कौन कौन से क्या क्या वो सारा चीज वन वन बाय हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत अगला जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठीक है इंटरनल जो स्ट्रक्चर रहता है ना जहां पर आपका बोलते हैं कि लावा बह रहा है ठीक है कहीं पर जो उसका ऊपर वाला भू पर पट्टी वाला जो लेयर रहता है ठीक है वो सारा चीज अपन किसमें कवर करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा अक्षांश और देशांतर ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो चैप्टर है ठीक है अक्षांश और देशांतर ये जो लाइन कहलाती है बिल्कुल सीधी सीधी लाइन जो दिखती है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड ये जो लाइन रहती है यह कहलाती है आपकी लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है याद रखना मेरे ख्याल से जो आधा से ज्यादा जो ज्योग्राफी है वो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है यानी अगर आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो आपका जियोग्राफी बहुत स्ट्रांग रहने वाला है ठीक है जब हम चैप्टर में आएंगे तब हम देखेंगे डिटेल में ओके अगला जो चैप्टर है वो है आपका भूकंप और ज्वालामुखी एंड यानी कहां कहां पर कौन कौन से भूकंप क्षेत्र जो पाए जाते हैं हर जगह नहीं पाया जाता है ना वो याद रखना अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स जो रहते हैं प्लेट अपन खाने वाला प्लेट नहीं बोरो में जो धरती के अंदर जो रहता है जो प्लेट लगातार फ्लो हो रहा है ठीक है तो कौन कौन सा प्लेट रहता है जो आपस में टकराएगा है ना कौन एक दूसरे से दूर जाता है भूकंप कैसे आता है ज्वालामुखी कैसे आता है हर कहीं पे नहीं आएगा वो पर्टिकुलर कुछ एक जगह है जो डिसाइडेड है बस वहीं पर ही आता है जैसे आप देखेंगे हिमालय रेंज में आएगा गुजरात रेंज में आता है ना तो कहां कहां पे आता है कैसे आता है वो सारा चीज हम देखने वाले हैं इसके अंतर्गत अगला जो चैप्टर रहने वाला वो है महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड आपका कॉन्टिनेंट्स मतलब कितने आपके कॉन्टिनेंट हैं है ना कैसे कैसे उनका डिविजन हुआ है कैसे कैसे वो बने हैं ठीक है ठीके? वो सारा चीज हम इसके अंतर्गत देखेंगे अगला जो चैप्टर है हमारा उसके अंतर्गत रहने वाला है खनिज और चट्टाने यानी मिनरल्स एंड रॉक्स ठीक है किस चट्टान में किस टाइप की खनिज पाई जाती है है ना कौन सी आपकी जो ऊर्जा वाली खनिजें हैं कौन सी आपकी जो क्या बोलते हैं मेटल वाली खनिजें वो सारा चीज हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे अगला जो है वो है जियोमोफिक प्रोसेसेस मतलब जैसे माउंटेन्स की अगर मैं बात करूं ठीक है तो कुछ एक माउंटेन है जिसको फोल्ड माउंटेन बोला जाता है वो कैसे बना है कुछ एक माउंटेन है जिसको बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन है ना ब्लॉक पर्वत वो कैसे बना है अवशादी पर्वत है वो कैसे बना है तो वो सारा चीज अपन इसके अंतर्गत करेंगे भूआकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत नेक्स्ट है आपका वायुमंडल का संगठन तथा संरचना द कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर यहां पर भी हम देखेंगे वायुमंडल के जो डिफरेंट लेयर्स रहते हैं ठीक है ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेजोस्फियर है ना जितने भी आपके मंडल रहते हैं ना वो सब अपन इसके अंतर्गत देखने वाले हैं कहां पर ओजोन पाया जाता है कहां पर आपकी जो अन्य प्रक्रियाएं होती बादल कहां पर बनता है वो सारा चीज हम देखेंगे इसके अंतर्गत अगला जो है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम देखेंगे कि कहां पर किस टाइप के हवाएं चलती हैं कौन सी पवने चलती हैं कौन सी व्यापारिक पवने हैं कौन सी पछुआ पवने मानसूनी पवने किसको बोलेंगे ठीक है क्यों इनका जनरेशन होता है ऊपर बैठ के हवा तो कोई नहीं चला रहा है ना कैसे उसका जनरेशन होता है क्यों होता है उसके कारण मौसम में क्या परिवर्तन आने वाले हैं वो सारा चीज हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत ठीक है नेक्स्ट है आपका महासागरी जल संचलन जितने आपके ओशन करेंट्स हैं है ना जैसे अपन पढ़ते हैं लैप्रोडोन की जलधारा पेरू की जलधारा ठीक है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा तो वो सारी जो जलधारा है ओशन करेंट्स है वो अपन देखने वाले हैं और लास्ट में हम देखेंगे जो क्लाइमेट जोन है क्लाइमेट जोन मतलब जलवायु प्रदेश हर जगह की जलवायु सेम नहीं रहती है ना कहीं कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि ठंडी क्या चीज है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं रहता कि गर्मी क्या चीज जैसे लद्दाख आप चले जाइए वहां के लोगों को आभाज ही नहीं है ना कि गर्मी क्या चीज है ठीक है अब ठंडी जैसे की रहता है तो वो सारा चीज अपन देखने वाले हैं वन वन बाय क्लाइमेट जोन में ओके चलिए अब आते हैं अपन वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व भूगोल ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे जो सेवन कॉन्टिनें है आपके एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका यूरोप है ना ऑस्टानिया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तो इसको अपन वन बाय वन देखेंगे किन आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे ठीक है इस जो कॉन्टिनें है यानी ये जो आपके महाद्वीप हैं है ना वहां के जो प्रमुख आपके देश हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उनकी राजधानियां इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनको भी अपन देख लेंगे यहां पर जो महत्वपूर्ण जो शहर है है ना उनको भी हम देखेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है आपका करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है क्योंकि देखो यार करंट अफेयर में क्या है आपको पूरे के पूरा आपको क्या पढ़ना है पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ना रहता है अचानक से कोई चीज नई जगह पे होती है तो क्या होगा जैसे कि आपको पूरा मैं ये तो नहीं बोलूंगा पूरे आपके है ना जितने कंट्रीज आप उसके याद रखो एटलीस्ट फिफ्टी कंट्रीज जो है उन देशों के जो प्रमुख देश है उनके नाम और उनकी राजधानियों आपको याद रहने चाहिए कम से कम आपको सौ डेढ़ सौ जो सिटीज हैं वर्ल्ड में ठीक है वो आपको याद रहनी चाहिए वो क्या हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा कि जब भी भी आपको करंट अफेयर या भी कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको जब देगा तो आपको उसको कनेक्ट करने में थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जो कॉन्टिनें है उनमें जो महत्वपूर्ण देश है और वहां की जो उनकी राजधानियां अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं क्लियर अगला देखेंगे कि वहां पर कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां पे कौन कौन सी नदियां हैं वहां का जो जलवायु है वो कैसा है और थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी भी कर लेंगे थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेंगे अपन ठीक है तो जैसे अपन पढ़ते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला है रॉकीज पर्वत श्रृंखला है ठीक है आपका केली मंजारो है एल्पस है है ना सहारा मरुस्थल है ठीक है तो ये सारा चीज अपन देखेंगे जो नदियां हैं अमेजोन हो गई है ना नायल नदी हो गई तो वो सारा चीज अपन देखेंगे वन बाई वन किस किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी नदियां हैं कौन कौन से वहां पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं और सबसे लास्ट में हम देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर से करंट अफेयर में बहुत ज्यादा आपका जोड़ देने वाला है ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन आपने सुना होगा बहुत सारे संगठन होता है एक होता है आपका वर्ल्ड लेवल का ठीक है जो जनरली यूएन से क्या रहते हैं एसोसिएट रहते हैं जैसे कि हो जाता है आपका आई एम एफ वर्ल्ड बैंक ठीक है डब्ल्यू ठीक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है क्लियर है जैसे अपन एशिया का देख सकते हैं तो यहां पे आपको क्या क्या मिल सकता है आपका सार्क है ना आसियान ठीक यूरोप में चले जाओ यहां पे मिल जाएगा आपको यूरोपियन यूनियन है ना एक आपका आपने सुना होगा क्वाड कौन कौन देश है इसमें चार देश है आप कमेंट करके बताइए कौन-कौन से बहुत सारा जो चीज है वो अपन किसके अंतर्गत देखने वाले हैं इस ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के अंतर्गत क्लियर है चलिए लास्ट जब हम चलने वाले हैं यहाँ पर हमारा जो देश है भारत यानी इंडियन ज्योग्राफी में ठीक है भारत का भूगोल यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर रहने वाला है वो है हमारा भारत स्थिति एवं विस्तार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप मिस मत करिएगा इसको क्योंकि इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो वीडियो वो वही आने वाला है सबसे नंबर वन रहेगा भारत स्थिति एवं विस्तार देखेंगे भारत का जो कंडीशन है भारत की जो स्थिति है वो विश्व के संदर्भ में कहाँ पर है ठीक है किस अक्षांश में है किस देशांतर में है अन्य देशों से इनका साइज कैसा है लोकेशन कैसा है वो सारा चीज वन बाय वन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं क्लियर अगला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है संरचना तथा भू आकृति यानी स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी भारत की जो स्थिति है वो तो अपन पढ़ लिए लेकिन भारत की जो आंतरिक संरचना है कहां पर कौन सा पर्वत है ठीक है हिमालय कहां पर स्थित है दक्षिण के आपके पठार कहां पर स्थित है कौन से मैदान कैसे हैं भारत की जो संरचना है जो पेनसुलर स्ट्रक्चर है उसका क्या फायदा है अगर ये हिमालय नहीं होता तो क्या होता वो सारा चीज वन बाई वन कवर करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत ठीक है अगला जो है वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र कौन सी नदियां हिमालयन नदियां हैं कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं ना कौन सी नदी हिमालय से निकल रही है कौन सी आपकी प्लेटू से निकल रही है कौन सी, सी नदी इधर अरब सागर में जाके मिलती है कौन सी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है कौन सी नदी ऐश्वरी बनाती है कौन सी नदी आपकी क्या बोलते हैं डेल्टा बनाती है वो सारा चीज अपन इसमें देखने वाले इसमें अपवाह तंत्र में साथ ही साथ हम यहां पे देख लेंगे भारत की जो प्रमुख झील है ठीक है लेक जो रहते हैं अपन उस पर भी थोड़ा सा एक नजर डाल लेंगे अगला जो चैप्टर रहने वाला है वो है आपका जलवायु भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले से बता दे रहा हूँ ये इस पर हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और कहीं ना कहीं ये आपका एनवायरनमेंट से भी रिलेट करता है और अगर नहीं भी करता है तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि भारत की जलवायु कैसी है अगर ये सारा चीज नहीं होता ये सिस्टम नहीं होता मानसून अगर इंडिया में नहीं आता तो कैसे होता ठीक है भारत की जलवायु जो है अलग अलग क्षेत्रों में क्योंकि पूरे भारत में सेम जलवायु नहीं पाई जाती ठीक है जो समुद्र के किनारे हैं वहां पर सम ताप जलवायु पाया जाता है ठीक है जो समुद्र से दूर है वहां पर विषम ताप जलवायु वो सारे चीज अपन देखेंगे कि भाई क्यों है और कैसा है क्लियर अगला जो है वो है आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव ये थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना तो थोड़ा सा पार्ट इन्वायरमेंट का यहाँ पे आपका आ जाएगा क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से आपके जो क्या बोलते हैं नेशनल पार्क हैं कौन कौन से आपके अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से जीव हैं जिसको इनडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है ठीक है सीआर कैटेगरी में रखा गया है आईयूसीएन का एक कैटेगरी होता है ठीक है आईयूसीएन क्या है जो रेड डेटा बुक जारी करता है वो अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर सॉइल यानी जो मिट्टियां हैं भारत में कौन कौन सी मिट्टियां हैं किन किन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी उपजाऊ है कौन सी मिट्टी बंजर है कहां पर किस टाइप की आपकी मिट्टियों का कहां पर कौन सा फायदा होता है है ना कहां पर आपकी जो लवणी मृदा है साल्टी जो वो सारे अपन किस में देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत ठीक है तो अगला हम देखेंगे अगला जो हमारे चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका पॉपुलेशन ठीक है इसके अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं सेंसस ठीक है जनसंख्या जो आपका 2011 है है ना जनगणना सॉरी जनगणना 2011 है वो हम देखेंगे अभी 2021 2021 ट्वेंटी की जो जनगणना है वो अभी उसका जो डेटा है वो आना बाकी है जब ये डेटा आ जाएगा 2021 का क्लियर है तो अपन उसको भी अपन क्या करा देंगे अपडेट करा देंगे फिलहाल हमको 2011 वाला देखना है तो पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है ठीक है किस स्टेट की जो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है कहाँ पर लिटरेसी रेट कैसा है सेक्स रेशियो कैसा है वो सारा चीज अपन इसके अंतर्गत करने वाले हैं अगला जो है वो हमारा चैप्टर रहेगा भू संसाधन तथा तो कृषि मतलब लैंड रिसोर्स और एग्रीकल्चर ठीक है देखेंगे कि भारत में में कितनी प्रकार की होती है है जैसे आपने सुना होगा रबी फसल फसल खरीफ किन किन स्टेट स्टेट कौन कौन से स्टेट है जहां पर दोनों फसलें जाती हैं कौन कौन से स्टेट है किस फसल के लिए जाना जाता है कहां पर किसका उत्पादन अधिक होता है कहां पर किसका उत्पादन बिल्कुल नहीं होता किसकी प्रोडक्टिविटी अधिक है वो सारा चीज अपन इसमें चर्चा करेंगे ठीक है अगला जो चैप्टर है वो है आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेस ठीक है इसमें हम देखेंगे जिसके पावर प्लांट्स रहते हैं वहां पर कौन सा यूज होता है आपका कोल यूज होता है है ना स्टील इंडस्ट्रीज है वहां पे क्या यूज होता है आपका आयरन यूज होता है ठीक है आपकी जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से जो मिनरल्स है कौन कौन से खनिज है, है ना वो कहाँ पर पाए जाते हैं किन किन स्टेट्स में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है कहाँ कहाँ पर उसका यूज है ठीक है किस किस एनर्जी रिसोर्सेस में ऊर्जा संसाधनों में उनका उपयोग होता है वो हम वन बाई वन कवर करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत ठीक है नेक्स्ट जो है आपका विनिर्माण उद्योग जिसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ठीक है यहां पर दो शब्द हैं एक है आपका विनिर्माण और एक शब्द आएगा निर्माण क्लियर तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है वो बता देता हूं आपको विनिर्माण मतलब क्या होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है मतलब ऐसा चीज जिसको आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या करते हो निर्माण करते हो यानी उसका क्या करते हो आप उत्पादन करते हो बोल सकते हो ठीक है मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसको अपन क्या बोलते हैं विनिर्माण कहां पर होता है मैंने बताया ये उद्योग में होता है ठीक है भारत सरकार का मंत्रालय है एक याद रखेंगे एम एस एम ई क्या होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ठीक है फिर एक जो होता है आपका हैवी इंडस्ट्रीज होता है जो है ना एक भारी उद्योग का मंत्रालय होता है क्लियर है तो अलग अलग उद्योग रहता है उसको भी हम डिविजन कैटेगराइज करेंगे हम देखेंगे तो और निर्माण क्या होता है निर्माण मतलब ऐसे चीज जिसको पर्टिकुलर उस जगह पे जाके आप बना रहे हो जैसे कि कहता है सड़क ठीक है ब्रिज यानी पुल उसको क्या करते हैं अपन किसी इंडस्ट्री में बनाते हैं क्या नहीं उसको क्या करते हैं जहां पर हमको बनाना है वहां पर जाके हम क्या करते हैं उसको बनाते हैं तो ये होता है आपका निर्माण ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है याद रखिएगा ठीक है तो ये सारा चीज अपन कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत ठीक है लास्ट जो इसका रहने वाला है आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मैंने बताया था स्टार्टिंग में ठीक है आपके परिवहन और संचार के जो साधन है तो ये सारा चीज हम कवर करेंगे इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत इसके अलावा मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूं इसके अलावा हम देखेंगे पर्यटन के जो मुख्य प्लेसेस है मतलब मुख्य जो स्थान है भारत में हम वो कवर करेंगे जितने भी आपके वाटरफॉल्स हैं जलप्रपात है ठीक है थीके? वो कवर करेंगे जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन संस्थान है वो भी सारा चीज अपन कवर करने वाले हैं यानी जियोग्राफी का कोई भी चीज आपका नहीं छूटेगा ठीक है आप मेरे साथ बने रहिए ठीक है ठीके? मैंने आपको जो तीन टूल्स बताए थे भाई वो टूल्स लेके चलिए आपका जियोग्राफी बिल्कुल स्ट्रांग होने वाला है ये मेरी गारंटी है ठीक है तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में इंडियन जियोग्राफी के जो पहला चैप्टर है भारत स्त्री और विस्तार के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार एक बार लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड के साथ ओके थैंक यू जय हिंद जय भारत